पता है कभी कभी क्या होता है, बच्चों वाली फीलिंग आती है और बच्चों वाला खाना खाने का मन होता है जो हम बचपन में ना खेलते कूदते खाए हों, वही मतलब खाने का मन हो रहा था। तो चलो हम बनाते हैं इसे। तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लेके आए हैं चोखा भात की रेसिपी, जो कोई कोई जानता है कि क्या होता है और कैसे बनता है। तो चलो बनाते हैं। एक बाउल या बाउल में डालेंगे 1.5 गिलास चावल और इसमें पानी डाल के हम 4 या 5 मिनट के लिए रख देंगे। और अब हम एक कढ़ाई लेंगे, यहाँ पे आप कढ़ाई की जगह कुकर भी ले सकते हैं। और यहाँ इसमें डालेंगे 3 गिलास पानी और कुकर में मतलब 2.5 गिलास पानी में बन जाएगा। तो यहाँ पे हम गैस जलाएंगे और गैस पे कढ़ाई को चढ़ा देंगे और कढ़ाई में 2 चम्मच हम घी डालेंगे। घी डालने से ये होगा ना कि जो कि क्या बोल जाता है ना कि चावल चिपकेगा नहीं और बहुत मस्त बनेगा। इसको ढक के गर्म होने देंगे। पानी हमारा गर्म हो चुका है, इसमें हम धोके चावल को डाल देंगे, जिसको हम पानी में भिगो रखा था ना उस चावल को डाल देंगे। और इसको हम चम्मच से चलाएंगे जब तक चावल में उबाल ना आ जाए। आप एक बार ज़रूर ट्राई करना, मेरे कहने से बच्चों वाली फीलिंग आएगी यार। जो पता है ना, बच्चे जिद करते हैं कि मम्मा ये खाऊंगा, दीदी ये खाऊंगा, दादी ये खाऊंगा, तो ऐसा मतलब फीलिंग आएगी आपको भी बच्चों वाली, तो आप एक बार ज़रूर बनाएं। तो यहाँ पे हमारे चावल में उबाल आ चुका है, इसको ढक के और 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे बिना देखे बिना मतलब छुए। और यहाँ पे तब तक आगे की तैयारी करते हैं। यहाँ पे हमने 2 हरी मिर्ची लिया है। आप यहाँ पे तीखा चटपटा ज़्यादा खाना चाहते हैं तो आप ज़्यादा मिर्ची ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने 2 हरी मिर्च लिया है और 1 प्याज लिया है, एकदम मतलब मीडियम साइज का, ना बड़ा है ना छोटा, आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। और आप लोग भी मतलब क्या बोला जाता है ना, एक बार ट्राई करना और कमेंट करना कि आप लोगों को भी ऐसा इच्छा होता है कभी कभी कि जो क्या बोला जाता है बच्चों वाला खाना खाएं। तो यहाँ पे हम थोड़े से धनिया भी काट देंगे। आप अगर नहीं पसंद करते हैं तो इसको मतलब नहीं, इसमें धनिया नहीं डालेंगे। और यहाँ पर हमारा चावल रेडी हो गया है, बढ़िया सा देखो एकदम खिला खिला चावल बना हुआ है ना। तो इसको हम ढक देंगे और गैस बंद कर देंगे। यहाँ पे हमने 4 आलू लिया है, जो ज़्यादा बड़ा भी नहीं है ज़्यादा छोटा भी नहीं है, ठीक ठाक सा है। इसको हम फोड़ लेंगे। अब हम लेंगे एक कलछी, कलछी में डालेंगे घी 1 चम्मच या आधी चम्मच जो भी है आप जितना ले सकते हैं। अब हम गैस जलाएंगे, गैस पर रख देंगे। घी गर्म हो गया हमारा, अब हम गैस बंद कर देते हैं और इसमें डालेंगे 1 छोटी चम्मच, एकदम छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और 1 चुटकी से थोड़ा सा ज़्यादा हींग डालेंगे। और जब तड़क जाए ना ये, तो इसको आलू में हम डाल देंगे और कटी हुई हरी मिर्च प्याज जो रखा था वो डाल देंगे, धनिया वगैरह साथ में। और इसमें हम डालेंगे आधा नींबू का रस डालेंगे, जो मतलब फिसल के नीचे गिर गया तो दूसरा हम ले लिया, मैंने ले लिया। और उसके बाद से ये निचोड़ देंगे इसमें। और आधी चम्मच डालेंगे चाट मसाला, आधी चम्मच मिर्ची पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। अब हम सारे चीज़ों को मिला लेंगे। तो हमारा चोखा बन के तैयार है। यानी कोई चोखा बोलता है, कोई भरता बोलता है, तो आलू का भरता जो मतलब जो समझता है वो आलू का भरता है, और जो समझता है कि चोखा है तो चोखा है। तो हमारा चावल भी बन गया, अब हम प्लेट लगाएंगे और इसे खा के पता है आप बचपन की यादें ताज़ा हो जाएगी आपकी। तो यहाँ पे हमने थोड़े से पापड़ लगा दिया, 2 चार प्याज और हमारा बढ़िया वाला, ना तीखा ना मसालेदार, नहीं कुछ भी, मतलब बच्चों वाला खाना लग के तैयार है। आप भी खाओ पियो मज़े करो। इसी के साथ मिलते हैं एक नए वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।